आज हम बनाएंगे बिना प्याज लहसुन की आलू परवल की ग्रेवी वाली सब्जी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए 500 ग्राम परवल लिए हैं और उसको ऐसे आधा आधा छील कर तिरछे आकार में काट लिया है। दो बड़े साइज के आलू लिए हैं जिसको थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब कढ़ाई में 5 से 6 बड़े चम्मच तेल गर्म होने के लिए देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो सबसे पहले उसमें आलू डालकर आलू फ्राई कर लेंगे। आलू को फ्राई करने के लिए थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। और अच्छे से फ्राई करेंगे। दो से तीन मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसे निकाल कर रख लेंगे। फिर उसी तेल में परवल को भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। परवल को भी फ्राई करने के लिए थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह फ्राई करेंगे। परवल को भी मीडियम टू हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। परवल भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसे भी निकाल कर रख देंगे। फिर मिक्सर ग्राइंडर में एक मीडियम साइज का टमाटर, कुछ अदरक, 4 हरे मिर्च या मिर्च आप जैसे खाना पसंद करते हैं, इन सबको पीस कर पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाकर रेडी कर लिए। फिर उसी तेल में जिसमें हमने आलू और परवल फ्राई किया था, आधा छोटी चम्मच चीनी के दाने डालेंगे, आधा छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, आधा तेज़पत्ता डालेंगे, 2 इलायची और कुछ दालचीनी के टुकड़े डालेंगे और 1 सूखे मिर्च डालेंगे और कुछ सेकंड के लिए लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। फिर उसमें जो टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे। फिर उसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई करेंगे जब तक मसालों से तेल ना आने लगे। देख सकते हैं मसालों से तेल आने लगा है। अब उसमें आलू और परवल डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखा था और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और मसालों के साथ आलू और परवल को मीडियम फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। मसालों के साथ आलू और परवल को अच्छी तरह फ्राई कर लिए। अब उसमें पानी डालेंगे। पानी आप उतना ही डालिएगा जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हो और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालते वक्त ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने परवल और आलू में को फ्राई करते वक्त भी नमक डाला था। और गैस का फ्लेम मीडियम करके ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे।
तीन से चार मिनट बाद ढक्कन खोल के देखते हैं, 80% पक गया है। कुछ देर और पका लेते हैं। दो तीन मिनट बाद ढक्कन खोलकर फिर से चेक करते हैं, सब्जी अच्छी तरह पक कर रेडी हो गई है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। बनकर रेडी हो गई हमारी बिना प्याज लहसुन की आलू परवल की ग्रेवी वाली सब्जी। आप भी इसी तरीके से इसे एक बार बना कर पूरी, पराठा, चावल किसी के साथ भी खाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।